अस्सलाम वालेकुम क्लास थ्री, कैसे हैं सब बच्चे? आई होप सब आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और डेली बेस पे आपको आपकी डायरी मिल रही होगी और आप लिखने के साथ साथ याद भी कर रहे होंगे। वेरी गुड स्टूडेंट, हमने ग्रामर स्किल्स का यूनिट नंबर 11 स्टार्ट किया था। कल हमने उसकी एक्सरसाइज नंबर सी की थी, तो आज हम करेंगे उसकी एक्सरसाइज नंबर डी एट पेज नंबर 47। सो जल्दी से अपनी ग्रामर स्किल्स की बुक ओपन करें और पेज नंबर 47 निकालें। पेज नंबर 47 पे आज की डेट मेंशन करें, तो आज की डेट है 7/9/21। सब बच्चों ने डेट लगा ली। चल, कल हमने अंडरलाइन किए थे वर्ब और एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि काम किस तरीके से हुआ वो हमने अंडरलाइन किए थे। एक्सरसाइज डी में देखते हैं हमने क्या करना है। पुट अ सर्कल राउंड द वर्ब, एक तो आपने वर्ब को करना है अंडरलाइन जैसे कल किया था। एंड आस्क द क्वेश्चन व्हेन, और फिर आपने ये देखना है कि वो काम जो है वो कब हुआ। अंडरलाइन द एडवर्ब ऑफ टाइम, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कि वो अल्फाज आपने अंडरलाइन करना है जिसमें आपको टाइम के बारे में बताया गया कि ये जो काम है ये किस टाइम जो है वो किया गया। विच आंसर द क्वेश्चन व्हेन, जिसका जो जवाब, जिसका जो सवाल हमने व्हेन किया था कब, उसका आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, इसको पहले रीड कर लेते हैं। सम एडवर्ब्स टेल यू व्हेन द एक्शंस हैपन, कुछ एडवर्ब्स या तो होते हैं जो आपको बताते हैं कि काम जो है वो कब हुआ। दे आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम, उनको हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। दे डिस्क्राइब वर्ब, वो वर्ब के बारे में हमें बताते हैं। एंड आंसर द क्वेश्चन व्हेन, और उस सवाल यानी कि और कब हुआ इसका जवाब हमें देते हैं। मींस वो हमें वक्त के बारे में बताते हैं कि वो काम जो है वो किस वक्त हुआ है। ठीक है, आज हुआ है, कल हुआ है, इतने बजे हुआ है, लेट हुआ है, जल्दी हुआ है। ठीक है, ये सारे जो हैं ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ फिनिश योर वर्क टुडे, मेहरबानी फरमा कर आज अपना काम जो है वो ख़त्म कर लेना। तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है, ख़त्म करना। इट्स मीन फिनिश यहाँ पे हमारा क्या है, वर्ब है। ठीक है, आपने उसको क्या कर देना है, सर्कल। और कब ख़त्म करना है, आज। मीन्स टुडे, टुडे हमारा फिर क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, इसको आपने अंडरलाइन कर देना है। वी विजिटेड द ऑर्फनेज यस्टरडे, हम कल यतीम खाने गए। ठीक है, या हमने कल यतीम खाने को विजिट किया। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, जाना। इट्स बीन विजिटेड, यहाँ पे हमारा काम हो रहा है, वर्ब है, आपने इसको सर्कल करना है। और कब गए, यस्टरडे, कल यानी कि गुजरे हुए कल। इट्स मीन यस्टरडे आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, आपने इसको अंडरलाइन करना है। दे विल स्टार्ट द प्रोजेक्ट टुमारो, वो इस प्रोजेक्ट को कल शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हमारा काम क्या हो रहा है, शुरू करना। इट्स मीन विल स्टार्ट, यहाँ पे हमारा क्या है, वर्ब है, आपने इसको कर देना है सर्कल। और कब शुरू करेंगे, टुमारो, कल शुरू करेंगे। इट्स मीन टुमारो इज द एडवर्ब ऑफ टाइम, इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है। नेक्स्ट है, टाइम हैंडेड इन हिज होमवर्क लेट, सॉरी टिम हैंडेड इन हिज होमवर्क लेट, टिम ने अपना काम जो है वो बहुत ही लेट किया। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ख़त्म करना, तो यहाँ पे आपको हैंडेड जो है, हैंडेड का मतलब होता है ख़त्म करना जल्दी से। ठीक है, तो हैंडेड आपका यहाँ पे वर्ब है, आपने उसको कर दिया अंडरलाइन सर्कल। और कब, कैसे उसने ख़त्म किया, सॉरी कब ख़त्म किया, लेट ख़त्म किया, देर से ख़त्म किया, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। नेक्स्ट इज जिल अराइव्ड अर्ली, जिल जल्दी आ गया। तो यहाँ पे क्या काम हो रहा है, आना काम हो रहा है। इट्स मीन अराइव्ड आपका यहाँ पे क्या है, वर्ब है, आपने उसको सर्कल कर देना। और कब आया वो, अर्ली, जल्दी आया, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है, आपने इसको अंडरलाइन कर देना है। आई मस्ट लीव नाउ, मुझे अब जाना चाहिए। तो जाने या निकलने की इंग्लिश क्या होती है, लीव। तो लीव यहाँ पे आपका काम है। और कब जाना चाहिए, कब निकलना चाहिए, नाउ, अभी निकलना चाहिए, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। उसके बाद है, दे वर एट द सेम स्कूल लास्ट ईयर, पिछले साल वो एक ही स्कूल में थे। तो एक में थे यानी कि ये कोई काम है ना, तो यहाँ पे जो वर है ये आपका क्या है, वर्ब है। और कब वो एक स्कूल में थे, लास्ट ईयर, पिछले साल। तो लास्ट ईयर आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है, जो कि आपको टाइम के बारे में बता रहे हैं कि वो कब इकट्ठे थे। ठीक है, आई टॉक टू यू लेटर, मैं आपसे कल बात, मैं आपसे बाद में बात करूँगा। ठीक है, तो बाद में बात की इंग्लिश होती है आई टॉक। ठीक है, तो आई टॉक को आपने कर देना है सर्कल। और कब करूँगा, बाद में, लेटर। तो लेटर आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। उसके बाद है, हरी, जल्दी करो, सॉरी हरी यहाँ पे बॉय का नेम है,
द बस इज लीविंग सून, बस जो है वो जल्दी चली जाएगी या जल्दी निकल जाएगी। तो इसमें काम क्या हो रहा है, लीविंग काम हो रहा है, ठीक है। तो लीविंग मतलब निकलना, तो ये आपका काम है, आपने इसको अंडरलाइन कर सर्कल कर दिया। और कब निकलेगी, कब जाएगी, सून, जल्द ही। तो सून आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। उसके बाद है माई फैमिली आर विजिटिंग जापान नेक्स्ट ईयर, मेरी फैमिली जो है वो अगले साल जापान जाएगी। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, जाना। इट्स मीन विजिटिंग जो है ये आपका क्या है, वर्ब है, आपने इसको सर्कल कर देना। और कब जाएगी, नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। नेक्स्ट है आवर क्लास वन द चेस कंपटीशन दिस ईयर, हमारी क्लास इस साल का चेस कंपटीशन जीती। इसमें काम क्या हो रहा है, जीतना। इट्स मीन वन जो है ये आपका क्या है, वर्ब है, आपने इसको सर्कल कर देना। और कब जीती, दिस ईयर, इस साल जीती। तो ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। लास्ट सेंटेंस देखें, डैड मेट अंकल बेन एट द बैंक दिस आफ्टरनून, डैड अंकल बेन से इस शाम बैंक में मिले। तो यहाँ पे काम क्या हुआ, मिलना, मिले। इट्स मीन मेट जो है ये आपका वर्ब है, आपने इसको कर देना है सर्कल। और वो कब मिले, दिस आफ्टरनून, इस शाम। तो ये दिस आफ्टरनून आपका एडवर्ब ऑफ वो है टाइम। तो आपने अच्छे तरीके से जितने भी वर्ब्स हैं उनको करना है सर्कल, और जितने भी एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम है, उनको करना है अंडरलाइन। आई होप आपको आज की एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। नीट हैंड राइटिंग में इसको ग्रामर स्किल्स पर सॉल्व करके इसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।